जोहार दोस्तों, मैं नवीन बाड़ा आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल झारखंडी धुमकुड़िया में। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि आदिवासियों में युवा गृह या यूथ डॉर्मेट्री क्या होते हैं और आदिवासी समाज में इनकी क्या भूमिका रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। आदिवासियों में युवा गृह या यूथ डॉर्मेट्री मुख्य रूप से एक प्रशिक्षण केंद्र है जहाँ पर आदिवासी युवा युवतियों को समाज की मान्यताएँ, परम्परा, धर्म, संस्कृति, कानून, इन सब के बारे में सिखाया जाता है और साथ ही उन्हें भविष्य के लिए तैयार किया जाता है ताकि वो इन सब की जानकारी ले लें और भविष्य में आदिवासी समाज को संभाल सके और बेहतर बना सके। ये युवा गृह अलग अलग जनजातियों के बीच में अलग अलग नाम से प्रचलित है, जैसे कि उरांव जनजाति के बीच इसे धुमकुड़िया के नाम से जाना जाता है जबकि मुंडा जनजाति इसे गीति ओड़ा के नाम से जानती है। हालांकि अलग अलग नाम होने के बावजूद भी इनके कार्य एक समान ही हैं। उरावों के कुड़ुक भाषा में धूम वह ध्वनि होती है जो कि नाश्ते समय पैरों से निकलती है, जबकि कुड़िया का अर्थ एक केंद्र स्थल या रहने की जगह होती है। युवा गृह या यूथ डॉर्मेट्री में मुख्यतः लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग स्थान होते हैं, जैसे कि उराव जनजाति के धुमकुड़िया जहाँ लड़के रहते हैं उसे जोंखेड़पा कहते हैं, जबकि लड़कियों के रहने की जगह को पेलोड़पा कहा जाता है। धुमकुड़िया में आदिवासी बच्चों को 11 से 12 साल की उम्र में शामिल किया जाता है और विवाहित होने से पहले तक इनकी सदस्यता धुमकुड़िया में रहती है। विवाह होने के पश्चात इन्हें धुमकुड़िया से जाना पड़ता है। धुमकुड़िया की भी तीन श्रेणियां हैं। सबसे निचली श्रेणी को पुना जोखर कहा जाता है जिसमें सबसे नए बच्चे शामिल होते हैं। उससे ऊपर की श्रेणी है माछ तुड़िया जोखर और सबसे ऊपर की श्रेणी होती है उसे कोहा जोखर कहा जाता है जिसमें कि धुमकुड़िया के सबसे पुराने और अनुभवी बच्चे रहते हैं। लड़कों के धुमकुड़िया या जोंक एड़पा की जिम्मेवारी जिस व्यक्ति को दी जाती है उसे धांगर महतो कहा जाता है। इसका एक सहायक भी होता है जो कि कुटवार कहा जाता है, जबकि लड़कियों की धुमकुड़िया या पेलो एड़पा की जिम्मेवारी जिसे दी जाती है उसे बड़की धांगरीन कहा जाता है। ये लोग इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि धुमकुड़िया में रहने वाले युवक और युवतियाँ सही चीज़ें सीखे और बेहतर इंसान बने। धुमकुड़िया में लड़कों को वाद्य यंत्र बनाने, रस्सी बुनने, जाल बनाने, शिकार, कृषि कार्य करने जैसे चीज़ें सिखाई जाती हैं। वहीं लड़कियों को जमीन की लिपाई करने, दीवालों में डिजाइन बनाने, झाड़ू बांधने, चटाई बीनने तथा भोजन बनाने जैसे कार्य सिखाए जाते हैं, यानी कि कुल मिला के भविष्य के गृहस्थ जीवन के लिए इन्हें तैयार किया जाता है। इसके अलावा नृत्य संगीत, जनजातीय मान्यताओं, परंपराओं, लोक कथाओं तथा कहानियों और पहेलियों की जानकारी और इनका प्रशिक्षण प्राप्त करना भी हर युवक युवती के लिए अनिवार्य होता है। परंपरागत रूप से आदिवासी समाज में सामूहिक रूप से जितने भी क्रियाकलाप होते थे उनमें धुमकुड़िया के सदस्यों की भागीदारी अनिवार्य होती थी, जैसे कि जतरा में ये साथ में जाते और नृत्य संगीत करते। इसके अलावा यदि गांव में शादी ब्याह का अवसर हो तो यहां पर भी धुमकुड़िया के सदस्य ही मुख्य भूमिका निभाते थे, जैसे कि अतिथियों का स्वागत करना, उनके रहने का इंतजाम करना, शादी में खाने के लिए भोजन बनाना, घर सजाना, ये सारे काम धुमकुड़िया के युवक और युवतियाँ मिलकर करते थे। गाँव के अखड़ा में नृत्य करना हो, पूजा करनी हो, शिकार पर जाना हो या दावत खाना, ये सारे काम जनजातियों में सामूहिक रूप से होते थे और इनमें धुमकुड़िया के सदस्यों की महत्वपूर्ण भागीदारी होती थी। युवा गृह, जिसे धुमकुड़िया या गीतिओरा जैसे नामों से जाना जाता है, इसका आदिवासी समाज में बहुत महत्व रहा है। प्राचीन समय में जहाँ आज के जैसे स्कूल कॉलेज नहीं होते थे, वहाँ पर युवा गृह के द्वारा ही युवक युवतियों को अपने समाज संस्कृति के बारे में बताया जाता था, कानून के बारे में समझाया जाता था, नैतिक शिक्षा दी जाती थी और भविष्य के लिए तैयार किया जाता था जिससे कि वे अपनी परंपरा को बचाएँ और आगे ले जा सके। वर्तमान समय में हालांकि आदिवासियों के नए प्रशासन के अंतर्गत आ जाने के कारण और बढ़ते शहरीकरण आदि के कारण ये युवा गृह प्रायः विलुप्त हो गए हैं, लेकिन अभी भी कहीं कहीं गांवों में इसका अस्तित्व एक बदले हुए रूप में बरकरार हमें दिख जाता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ आपसे जल्दी ही एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जोहार।